कुंभ की पावन भूमि प्रयागराज या शक्ति केंद्र हो या बौद्ध टूरिज्म से जुड़े हुए वे सभी प्रमुख स्थल, आध्यात्मिक सर्किट हो या फिर हेरिटेज टूरिज्म और इको टूरिज्म के लिए, वे सभी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोगों ने कभी अपनी इन संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का वह प्रयास नहीं किया जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश में छुपी हुई थी। मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहूंगा। 2019 में प्रयागराज में कुंभ के भव्य आयोजन को करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था और प्रयागराज कुंभ में आयोजन के पहले हजारों वर्षों की इस विरासत के बारे में देश की राय भले आस्था के साथ जुड़ी थी लेकिन दुनिया किस नजरिए से देखती थी, कुंभ के प्रति अगर पश्चिम की लेखनी को आप 19 के पहले देखेंगे तो कुंभ का रेखांकन उनके द्वारा किस रूप में होता था, भगदड़ के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, गंदगी के रूप में, अराजकता के रूप में, परस्पर समन्वय नहीं बल्कि परस्पर अलगाव के रूप में, और उसके नाम पर बदनाम करने का प्रयास भी किया गया। आपने देखा होगा कितनी शरारत हो रही थी जब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हो रहा था इस वर्ष, लेकिन प्रयागराज में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों को भव्य और दिव्य कुंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन थोड़ा सा प्रयास शासन प्रशासन सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़ करके समन्वित प्रयास जब करते हैं कैसे उसके सार्थक परिणाम आते हैं। मात्र 45 दिन के आयोजन में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में सहभागिता सुनिश्चित की, और केवल प्रयागराज में नहीं, विंध्यवासिनी धाम में, चित्रकूट में, काशी में, अयोध्या में और आसपास के अन्य पावन स्थलों का दर्शन करने के लिए भी आम जनमानस का हुजूम उमड़ पड़ा था। ठीक कह रहे थे टंडन जी कि पर्यटन का मतलब केवल आकर के घूम करके निकल गए से नहीं, पर्यटन लोगों में एक नया उत्साह, एक नया उमंग, उन्हें जीवन की एक नई राह तो दिखाता ही है, एक सृजनात्मक ताकत तो व्यक्ति के अंदर पैदा करता ही है, लेकिन साथ साथ ये रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है और पूरी की पूरी कानपुर के कल्याण